अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो कल वाली वीडियो पे आप लोगों को बताया था ना कि मैं आपको एक ऐसा साबुन और साथ में ट्यूब बताऊंगी ना जिससे आपकी एक्नी जो है ना वो दिनों में ख़त्म होगी। मैंने खुद टेस्ट किया है, बहुत बेस्ट क्रीम है। अगर आप लोग कोई सा भी ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं ना तो आप लोग ये वाला ज़रूर यूज़ करें, ठीक है? ये मैं आप लोगों को खुद नहीं बता रही, मुझे भी डॉक्टर ने बताया तो मैं आगे से आपको बता रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिले हैं। अंडर 2-3 डेज ना इसने इतना बेस्ट वर्क किया ना कि बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग ज़रूर यूज़ करिएगा, मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ये देखें जी, यहाँ पर मैं ये वाला सोप यूज़ कर रही हूँ, एक्नीएड सोप है, ठीक है? अगर आपकी स्किन जो है ना वो ऑयली है ना तो फिर आप लोग ये वाला सोप यूज़ करें, ठीक है? अगर आप लोगों की स्किन ड्राई है फिर आपने ये वाला ना सोप यूज़ नहीं करना, ठीक है? ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एक्नी प्रोन स्किन एंड ऑयली स्किन। तो ये आपकी अगर ऑयली स्किन है ना फिर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है ना तो फिर अगर आप लोग ये वाला बार यूज़ करेंगे ना, एक्नी बार जो है, तो आपकी स्किन जो है ना वो और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, ठीक है? अगर आप लोगों की ऑयली या मीडियम स्किन है ना तो फिर आप लोग ये बार यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत बेस्ट इसके रिजल्ट हैं। अगर आपकी स्किन जो है ना वो ड्राई है तो आप लोग ना एक्नी बार यूज़ करेंगे, ठीक है? साबुन का नाम है एक्नी बार। तो ये वाला जो साबुन है ना ये आप लोगों ने जब भी फेस वॉश करना है ना आप कोशिश किया करें कि मुंह जो है ना वो 5 टाइम धोया करें। नमाज तो हर बंदे ने पढ़नी होती है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम वैसे ही मुंह धो लेते हैं ना, तो आपने जो है ना वो इस साबुन के साथ मुंह धोना है अगर आपकी स्किन ऑयली है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने जो है ना वो एक्नी बार यूज़ करना है। तो ये हो गई साबुन की बात। उसके बाद आपने जो क्रीम यूज़ करनी है ना यार, ये क्रीम जो है ना वो गेम चेंजर है। ये देखें, ये वाली क्रीम है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये क्लियर क्रीम है और इसको आपने क्या करना है कि आपने इसे अप्लाई करना है। आपने ये अप्लाई करके हीट के आगे नहीं जाना, ठीक है जी? ये आपने रात को अप्लाई करनी है और आपने इसको अपनी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब नहीं करना। आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है ये देखें, आपको क्वांटिटी से पता चल रहा होगा कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ और बहुत 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 बेस्ट इसके रिजल्ट हैं, ठीक है? विद इन 2 और 3 डेज इसने मेरे जो है ना वो पिम्पल्स जो थे ना वो इसने सारे ख़त्म कर दिए हैं, और ये देखें इवन के निशान भी। और आपने इसको ना पिम्पल वाली जगह पर, अगर आपको एक पिम्पल है ना तो आपने ये पकड़ना, ठीक है? यहाँ पर एक फिंगर पर क्रीम लेनी है और जनाब आपने क्या करना है कि ये अब सपोज ये एक पिंपल है ना तो आपने इस पिंपल के ऊपर यूं करके लगा देनी है, ठीक है? और अगर आपके 3-4 पिंपल इकट्ठे हैं तो आपने फिर वहाँ पर इस तरह से लेप कर देना, ठीक है जी? आपने इसे अब्जॉर्ब नहीं करना, आपने इसे रगड़ना नहीं है, मलना नहीं है, ठीक है? इस तरह का कुछ भी नहीं करना, इस तरह से आपने लगा देनी है और ये थोड़ी देर के बाद जो है ना वो एक ट्रांसपेरेंट जो है ना वो ट्रांसपेरेंट सी हो जाएगी, ठीक है? ये नज़र भी नहीं आएगी आपके फेस पर। और सिर्फ ये है इसका जो है ना कि आपने ये हीट के आगे लगा के नहीं जानी, आप इसे रात को इस तरह से लेप करके ना फेस के ऊपर तो छोड़ दें, सुबह आपका जो है ना वो फेस बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपके अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे ना, एक्टिव एक्नी हो रही है, तो ये बहुत बेस्ट क्रीम है। ये देखें, आप लोग इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, इस तरह से आप लोग बाय कर सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको ये मिल जाएगी, ठीक है? तो अगर आप लोग प्राइस की बात करें तो जो मैंने आपको कल लोशन बताया था ना वो 160 या 165 रुपीज़ का था, ठीक है? और ज़रूरी नहीं होता कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करेंगे तो ही आपको फ़र्क पड़ेगा। आप लोग डिफरेंट डिफरेंट सीरम्स यूज़ करेंगे आपको इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप लोगों को इतना जल्दी जो है ना वो रैपिड फ़र्क किसी चीज़ से भी नहीं पड़ सकता जितना इस क्रीम ने ना मुझे तो हैरान कर दिया। बहुत बेस्ट क्रीम है, आप लोग जरूर यूज करें। ये देखें, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें इसका अगर आप लोगों ने ये यूज करनी है तो। अगर आप लोग प्राइस का पूछे ना तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो आपको 500 रुपीज़ में मिल जाएंगी, और 500 रुपीज़ में मैं कहती हूँ आप लोगों का फेस भी क्लियर एंड क्लीन हो जाना, ठीक है? ये आपकी जो है ना वो बहुत अच्छा आपको ना आपके फेस को क्लीन कर देगी, क्लियर कर देगी, जैसे इसका नेम है ना। तो आप लोग मस्ट ट्राई करें, क्योंकि फेस एक ऐसी चीज़ है यार, बंदा बहुत परेशान हो जाता है अपना मुंह देख देख के ना, उसे डिप्रेशन होने लग जाता है कि हमारे मुंह के साथ ये क्या हो गया ना। तो ये क्रीम जो है ना वो बहुत बेस्ट है। आप लोगों ने अगर कोई क्रीम यूज़ कर लिया उसके लिए भी, या फिर कोई ब्लीचिंग वगैरह, कोई भी रशेज वगैरह हो गया, कोई भी इस तरह का मसला हो गया ना आपके फेस के साथ, तो आप लोग ये मस्ट ट्राई करें, ठीक है जी? तो यार अच्छी चीज़ें जो है ना वो आगे भी शेयर करनी चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसा कोई बंदा पता है जो बहुत परेशान है तो आप लोग उससे भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है? किसी का अच्छा सोचने से ना आपका अपना भी अच्छा ही होता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप लोग मस्ट ट्राई करिएगा इसे अगर आप लोगों को कोई इश्यू है तो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।